जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो इसमें आज हम लेके आए हैं आपके लिए 1 दिसंबर की जो आपकी लास्ट शिफ्ट हुई थी। कौन सी शिफ्ट? लास्ट शिफ्ट 1 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसके हमने लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर जो हिंदी के है। 25 क्वेश्चन इन सभी को आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पर इससे पहले आपसे एक बता दूं, यदि आप लोग SSC GD के लिए हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं तो कौन से 9 टॉपिक से आपके हिंदी में क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। तो शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए आते हैं, मुहावरे के अर्थ आते हैं, एक शब्द के उत्तर विलोम शब्द और सही वर्तनी तथा अशुद्धि और शुद्धि के लिए जो शब्द आते हैं, और यहाँ देख सकते हो पर्यायवाची समानार्थी एवं रिक्त स्थान और गद्यांश से क्वेश्चन आपके आते हैं। ये आपके जो 9 टॉपिक है इससे ही क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 40 नंबर के होंगे। और 9 टॉपिक के लिए यहाँ पर 9 टॉपिक की हमने वीडियो बना दी है, उस 9 टॉपिक को जाके देखे वहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी क्या होगी। देखिए 4 अक्षर दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि शुद्ध वर्तनी बताया, तो देखिए सोनित क्या है, एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, मतलब सोनित जो लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सोनित होगा। ऐसे ही आपको नेक्स्ट यहाँ पर देखे जैसे कि आंखों से परे, तो देखिए लिखा हुआ है कि आंखों से परे जो एक शब्द का उत्तर क्या होगा। तो आंखों से परे मतलब कि आंखों के सामने जो ना हो, आंखों से परे का मतलब होता है आंखों से दूर या आंखों के सामने जो ना हो उसे कहते हैं। तो जो आंखों के सामने ना हो वह परोक्ष होता है, ठीक है। जो आंखों के सामने ना हो या आंखों से परे हो उसे हम परोक्ष कहते हैं, और जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष रूप से होता है ना। तो परोक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप सुना होगा कभी, तो प्रत्यक्ष रूप से वह होता है जो आंखों के सामने हो, और आंखों से परे या आंखों से दूर या आंखों के सामने जो ना हो वो परोक्ष होता है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचाननी है। तो देखिये आपको अगर शुद्ध वर्तनी आती है तो इसको बार बार आपको अक्षरों को 3 से 4 बार आपको लिख के देखना है कि शुद्ध वर्तनी उसकी क्या होगी। तो देखिए आविष्कार आया है, तो आविष्कार में आ में आ की मात्रा होती है, तो देखिए इसमें है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, परंतु इसमें देखिए सा भी आधा होता है तो इसमें नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा है अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों जड़ते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको जो दिया रहता है ये अंडरलाइन, उसी को प्रतिस्थापित करना होता है, वहां पे कौन सा शब्द लाए, प्रतिस्थापित करके मतलब उसकी जगह पे कौन सा शब्द लाए, प्रतिस्थापित मतलब प्रति इसकी जगह पर कौन सा शब्द स्थापित करे। तो देखिए अगर हम एक एक करके रखते हैं तो अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों फोड़ते हो, तो ये क्या गलत होगा ना, क्यों करते हो ये भी गलत हो जाएगा, क्यों मरते हो ये सही होता है, क्या होता है अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों मरते हो ये क्या होगा, सही होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, हमेशा ऑप्शन जमा के देखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है अंधकार, क्या पूछा गया है जैसे इसमें कि अंधकार का विलोम शब्द चुने, ठीक है, किसका अंधकार का विलोम शब्द चुनना है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ये तो सभी को पता है कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रकाश होता है। अगर पूछ लिया जाए कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा, प्रकाश होगा, और सूर्यास्त सूर्योदय का अगर पूछ ले तो सूर्यास्त होगा, ठीक है, सूर्योदय का पूछ ले तो सूर्यास्त होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि रंक का समानार्थी शब्द बताना है, किसका रंक का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो दरिद्र होता है। जो रंक शब्द है इसका जो समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो दरिद्र होता है, ये आप सबको याद रखना है, राजा का नरेश होता है। नेक्स्ट देखते हैं भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है समय व्यर्थ खोना, राइट आंसर क्या होगा, समय व्यर्थ खोना भाड़ झोंकना मुहावरे का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके पास खालिस्तान है, तो देखिए उसके पास खालिस्तान धन है मतलब कि पर्याप्त धन है, क्या क्यों हो गया, उसके पास कैसा धन है, पर्याप्त धन है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए उसके पास प्राप्त धन है तो आप जमा के देखेंगे तो क्या सही बोलने में लग रहा है, नहीं लग रहा है। उसके पास उपयुक्त धन है, उपयुक्त धन है तो ये भी सही नहीं लग रहा है, अतः तो समझ में नहीं आएगा। बाकी पर्याप्त धन है मतलब उसके पूर्ति के लायक, पर्याप्त का मतलब उसका काम ढक जाएगा जितना पर्याप्त धन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इसमें कहा गया है
प्रतिस्थापित करना है, मतलब इस शब्द के स्थान पे क्या आएगा अंडरलाइन वाले, तो दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में करते हैं। तो दूरभाष यंत्र मतलब कि दूरभाष यंत्र का मतलब होता है जैसे फोन की बात कर ले, ठीक है, मोबाइल की बात कर ले, तो दूरभाष यंत्र में थोड़ी करते हो, उसके द्वारा करते होंगे ना, उसके द्वारा आप बात करते होंगे, तो यहाँ क्या होगा, दूरभाष यंत्र द्वारा बात कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, दूरभाष यंत्र के द्वारा बात कर सकते हैं। मैं बात करते हैं, पर बात करते हैं, ये गलत हो जाएगा, उसके द्वारा बात किया जाता है, ठीक है, ऐसा राइट आंसर होगा। आपको शुद्ध हिंदी भी लेते चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इसमें आपको बताना है जैसे कि सहस्त्र प्रहरी खालिस्तान की रक्षा कर रहे हैं, तो सहस्त्र जो प्रहरी होते हैं, सशस्त्र प्रहरी किसकी रक्षा करते हैं, तो सशस्त्र प्रहरी जो कि कोष की रक्षा करते हैं, किसकी रक्षा करते हैं, तो कोष की रक्षा करते हैं। सशस्त्र प्रहरी जो होते हैं वो किसकी रक्षा करते हैं, कोष की रक्षा करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरों का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ निकलता है, तो मुट्ठी गर्म करना, तो देखिए मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो रिश्वत देना, किसी को अगर रिश्वत दोगे तो उसकी मुट्ठी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ होता है कि रिश्वत देना। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते, पूछा गया है भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की खालिस्तान से सुरक्षित रहती है, तो राइट आंसर होगा सहायता से। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि जो है किससे सुरक्षित रहती है, तो सहायता से सुरक्षित रहती है, राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, तो देखिए सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो ये शब्द बार बार आपसे पूछा गया है, इसे आपको याद कर लेना है कि सरस्वती का समानार्थी शब्द होता है ब्राह्मी होता है। क्या होता है, सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो ब्राह्मी होता है, ये आप सभी को पता रहना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूछा गया है शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, तो देखिए इसमें आपको त्रुटि बताना है, क्या त्रुटि है, तो देखिए शिक्षा का ये तो सही है, माध्यम तो ये भी सही है, ठीक है, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, हिंदी ही रहेगी, ठीक है। हिंदी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, तो उसके साथ यहाँ पर क्या आना था, स्त्रीलिंग शब्द आना था, तो हिंदी ही रहेगी, ये सही होगा ना, क्या होगा, हिंदी ही रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है नेक्स्ट हमसे कि हास का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए हास का विलोम शब्द तो सभी को पता है कि क्या होता है, रुदन होता है। हास का विलोम शब्द क्या होता है, तो रुदन होता है, ये हमने आपको ट्रिक से बताया था, हास का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है, रुदन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, तो इसमें त्रुटि क्या होगी, जल्दी से बताइए कि मैंने एक वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, इसमें त्रुटि क्या होगी, तो आपको बताना है, तो देखिए मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, तो यहाँ देखी की जगह क्या आ सकता है, आप लोग बताएं जल्दी से कमेंट में कि देखी की जगह क्या आ सकता है। देखिए मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी है या मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, क्या होगा, दोनों में से की आएगा ना, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, की होगा, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ठीक है, ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो गड़बड़ कहाँ है, यानी कि त्रुटि कहाँ है, तो ये देखिए थर्ड वाले पार्ट में है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, तो देखिए कभी भी आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि आकांक्षा करता हूँ, क्या बोलता है कि मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, यही बोलोगे ना, क्या बोलोगे, कामना करता हूँ, तो बस आपको यही वर्ड आपको जमा जमा के देखना है और कुछ नहीं, ऑप्शन से आपके आंसर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पूछने योग्य, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूछने योग्य के लिए एक शब्द का उत्तर बताइए, तो प्रष्टव्य होता है, क्या होता है, पूछने योग्य के लिए प्रष्टव्य होता है, जो पूछने योग्य वाक्य हो उसको क्या कहते हैं, प्रष्टव्य कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो प्रष्टव्य कहा जाता है, राइट आंसर क्या होगा, प्रष्टव्य होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है जिसका भोग करना उचित हो उसे क्या कहते हैं, तो एक शब्द में उत्तर पूछा गया है तो उसे भी भोग्य कहते हैं, क्या कहते हैं, भोग्य कहते हैं, जिसका भोग करना उचित हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो भोग्य कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है केवल यहाँ दो पुस्तकें रखी है, तो देखिए केवल यहाँ दो पुस्तकें रखी है, तो आप इसमें कौन सा मिस्टेक बता सकते हैं, तो देखिए
केवल वर्ड क्यों यूज होता है, तो आप सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि केवल वर्ड क्यों यूज होता है। तो इतना तो आप सभी को पता होगा कि केवल यहाँ दो पुस्तकें रखी है, तो इसमें देखिए केवल काय के लिए यूज होता है, एक के लिए, ठीक है, परंतु यहाँ दो दे दिया है, तो या तो ऐसा आएगा, देखिए ये शब्द क्या होगा, यहाँ दो पुस्तकें रखी है, बस इतना ही आएगा, केवल नहीं आएगा, ये केवल हटिया आएगा तो सही हो जाएगा, यहाँ दो पुस्तकें रखी है, ये केवल हटिया आएगा तो इसमें क्या है, पहले वाले में त्रुटि है, केवल यहाँ दो पुस्तकें रखी गलत हो जाएगा, यहाँ दो पुस्तकें रखी है ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, चिकित्सा खालिस्तान के क्षेत्र में काफी खालिस्तान हुई है, देखिए चिकित्सा किसके क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफी क्या हुई है, प्रगति हुई है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, देखिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, अनेक खालिस्तान बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा, तो देखिए अनेक जो जानलेवा बीमारियां होती है, ठीक है, इसमें से देखना है, आकर्षक तो होगा नहीं, सरल भी नहीं होगा, जो जानलेवा बीमारी होती है, ठीक है, जो जानलेवा बीमारी होती है उनसे क्या हुआ, छुटकारा मिलने लगा है, उसने खालिस्तान को मतलब जीवन को सुंदर और क्या दीर्घ बना दिया है, ठीक है, सुंदर बना दिया और दीर्घ बना दिया, ठीक है, सुंदर और दीर्घ बना दिया है, तो यहाँ देख सकते हो चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, अनेक जो जानलेवा बीमारी होती है, ठीक है, जानलेवा बीमारी यो से छुटकारा मिलने लगा है, उसने सुंदर और सुंदर को सुंदर और दीर्घ बना दिया, ठीक है, जीवन को, यहाँ जीवन आएगा सुंदर नहीं आएगा, जीवन को सुंदर और दीर्घ बना दिया है, तो इस तरीके से याद करते चलना है। टोटल हमारे जो है वो 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, तो हिंदी में हम डेली आपको सॉल्यूशन कराएंगे, जो आपके हिंदी अगर बात कर ले तो टारगेट क्या चल रहा है हिंदी का, आपको पूरे 40 में से 40 लाने का चल रहा है, कितना 40/40 आपको हिंदी में लाना है, और इसके लिए टॉपिक वाइज वीडियो भी हमने बना दी है, जैसे कि 2021 में आपके नो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो नो टॉपिक है उसमें अलग अलग टॉपिक, जैसे अगर बात कर ले विलोम शब्द, तो जो 2021 में टोटल जितने भी विलोम शब्द पूछे गए थे, 127 विलोम शब्द पूछे गए थे टोटल सभी शिफ्ट में, तो इसकी एक वीडियो बनी हुई है, मतलब टॉपिक फर्स्ट है, ऐसे ही एक शब्द के उत्तर की बात कर ले तो 187 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब एक शब्द एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक शब्द के उसके भी एक टॉपिक वाली एक वीडियो, मतलब जितने भी 2021 में एक शब्द 187 सभी शिफ्ट के पूछे गए थे उसकी भी एक ही वीडियो बनी है। तो दोस्तों अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।